सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस कोरोना नामक एक महामारी के काल में जब हमारी शिक्षा का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अपने विद्यालय श्री आदिनाथ कॉन्वेंट स्कूल ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। और इन क्लासेस के देखते हुए आज से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शतविवा पादाचार्य भी आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप भी अब बिल्कुल अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, सजग हो जाएं। तो आज से हम अपनी हिंदी की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें आपको पता है कि आपकी हिंदी क्लासेस में आपकी जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है? क्षितिज। उसका जो पहला अध्याय है वह है सूरदास। ठीक है, इसका जो काव्यखंड है वो हम ले रहे हैं और सबसे पहले हम सूरदास जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं ली हैं तो ले लीजिए, और ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल सजग रहें, और जब भी क्लासेस हों तो आप अपनी बुक और अपनी कॉपी साथ में लेकर बैठें, जो भी आपको लिंक शेयर किए जाएँ उन्हें अच्छे से ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, और जो भी होमवर्क के लिए आपके लिए नोट्स वगैरह भेजे जाएँ उन्हें आप अपने होमवर्क में अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। ठीक है बच्चों, इस प्रकार करने से आपकी जो पढ़ाई का जो अभी कुछ भी पता नहीं विद्यालय कब खुले कब नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी पढ़ाई का कोई प्रकार का नुकसान ना हो, आपका भविष्य जो है जो इस समय इस महामारी के काल के हिसाब से शिक्षा संबंधित दाव पे लगा है वह सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हो जाएँ, एकदम पढ़ाई के लिए बिल्कुल डट जाएँ। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं, मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका शतिवा पाराशर आपके इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त देखिए। इनका जन्म जो है संवत 1540 में हुआ और इनका निधन हुआ था 1620 में। ठीक है, और ये कृष्ण भक्त थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार तो 1540 विक्रम संवत में के सन्निकट यानी से आसपास हुआ था। ठीक है, और इनका स्थान कहाँ बताते हैं? रुणुक्ता गांव बताते हैं। और कुछ विद्वान इनके दिल्ली के निकट सीही में इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी ये वैसे सारस्वत ब्राह्मण बताए जाते हैं। और उन्होंने साहित्य लेरी के एक पद है जिसमें पृथ्वीराज की अम्मा तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं, बताते हुए पृथ्वीराज के वंश के होते हैं। ठीक है, और इनके अंधे होने के विषय में कहा जाता है कि भाई ये एक बार कोई तो कहता है जन्म से अंधे थे और कोई कहते हैं कि ये जो है अंधे होने के कारण से क्या था कि एक बार एक कुएं में गिर पड़े थे और वहाँ 6 दिन पड़े रहने के बाद भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और ये सन्नेत्र कर दिए, यानी कि उसके बाद इनको जो है इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी इनके जो है प्रज्ञा चक्षु खुल गए, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब से भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा है। ठीक है, ये तो इनके बारे में संक्षिप्त मुझे परिचय हुआ। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जबकि जो टॉप जो पद आएंगे उनसे संबंधित है। इसमें पहला जो पद आ रहा है वो कृष्ण राधिका के प्रथम मिलन का है। ठीक है, इसमें भगवान अपना उसे परिचय देते हैं, उसे अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पद जो है वो भ्रमर गीत से लिया गया। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने पदों के अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये लगभग सभी ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो देखिए, बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबो ब्रज कोरी, काके को हम ब्रजतनी आवती, काहे को हम ब्रजतनी आवती, खेलत रहती आपने पूरी, सुनत रहती श्रवणी नंद जोता, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिल जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात तनि भुरई राधिका भूरी। अब पहला पद जो है वो जैसे कि बताया भगवान कृष्ण और राधिका के पहले प्रथम बार मिलन का, यानी पहली बार जब वो दोनों मिलते हैं तब का इसमें वर्णन है। और मिलते ही भगवान कृष्ण जो है राधिका से एक प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में कि भाई क्या पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तो गोरी। ठीक है, बूझत यानी पूछते हैं भगवान कृष्ण यानी श्याम यानी कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि हो हे गोरी तुम कौन हो, बूझत यानी पूछते हैं श्याम यानी कृष्ण कौन तो गोरी कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, काकी यानी किसकी बेटी हो। ठीक है, आगे देखिए, देखी नहीं कबो ब्रज खोरी, खोरी यानी गली में, कहने कभी तुम्हें कबो यानी कभी भी तुम्हें कभी देखा नहीं ब्रज की इन गलियों में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे राधा उन्हें क्या जवाब दे रही है कि काहे को हम ब्रज तने आवती, तने यानी तरफ, ब्रज की ओर क्यों आए यानी हम ब्रज की गलियों की ओर क्यों आए, काहे को हम ब्रज तने आवती, ब्रज की गलियों की ओर हम क्यों आए, खेलत रहती अपनी पूरी, हम अपनी पूरी पूरी यानी दहलीज अपने द्वार यानी अपने ही द्वार की और अपनी दहलीज पे हम खेलती रहती हैं,
सुनत रहती स्वर्ण नंद तोता, लेकिन हमने ये जरूर, अब वो कृष्ण को कृष्ण के साथ ठिठोली कर रही है, उन्हें छेड़ रही है, क्या कहती है, वो पहचान तो गई है कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बारे में सुन रखा है इसलिए, तो क्या कह रही है, सुनत रहती कि हमने सुन रखा है, श्रवण यानी कानों से, अपने कानों से हमने सुन रखा है, नंद दोता कि नंद बाबा का एक लड़का है, दोता यानी लड़का, क्योंकि नंद बाबा उस गांव के मुखिया थे ना, ये तो सभी नंद बाबा को जानते, कि हमने भी सुन रखा है कि नंद बाबा का जो दोता यानी लड़का है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि करता फिरता है माखन यानी मक्खन की, दधी यानी दही की चोरी, कि हमने सुन रखा है अपने इन कानों से कि नंद बाबा का जो लड़का है, जो उनका बेटा है, माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तब भगवान कृष्ण उस पर खींच जाते हैं, यानी थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो क्या कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है? ले यानी लिया, कि तुम्हारा हमने भाई क्या चोरी कर लिया जो तुम हमें इस प्रकार सुना रही हो, तो तुमरो कहाँ चोरी हम ले है? कि तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया जो तुम्हें सुना रही हो, हम तो खेलने में आनंद समझते हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी, यानी हम खेलते फिरते हैं, हम तो बालक हैं, हमारी तो उम्र भी खेलने फिरने की है, इसलिए हम तो खेलते फिरते हैं, तो खेलन चलो संग मिली जोड़ी, क्या तुम मेरी जोड़ीदार बनके, जोड़ी यानी जोड़ी, जोड़ी बनाकर संग यानी साथ में, चलो मेरे साथ खेलने के लिए, मेरे संग चल के मेरी जोड़ीदार बनके खेलने चलोगी क्या? तो हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए तुम चाहो तो तुम हमारे साथ हमारी जोड़ीदार बन के खेलने चल सकती हो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कृष्ण रसिक शिरोमणि, सब रसों के शिरोमणि, सब नौ रस होते हैं ना, नौ रसों के शिरोमणि का उनके शिरोधार्य, सब रसों के शिरोमणि है भगवान कृष्ण, यानी रसिक है, बड़े आनंद देने वाले। तो भगवान क्या करते हैं, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण इन रसिक शिरोमणि कहलाते हैं, बातनी भुरई राधिका भोरी, भोली राधिका को, भोरी यानी भोली, भोली राधिका को भुरई, बहका लेते हैं अपनी बातों में, बातनी भुरई यानी बहका लेने, भुला देते हैं उसे, सब कुछ उसे अपनी बातों में लगा करके उसे बहका लेते हैं, अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं, और राधिका उनके साथ खेलने को तैयार हो जाती है। ये तो आपके पहले पद का है, इसमें क्या था कि भगवान कृष्ण राधिका से पहली बार मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा कहती है, हम तो ब्रज की गलियों में आते ही नहीं, हम तुम्हारे घर के द्वार की गली दहलीज पर ही खेलते रहते हैं, लेकिन हमने ये जरूर सुन रखा है कि नंद बाबा का लड़का ब्रज में जो है माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तब भगवान कृष्ण से कहते हैं, भाई हमने तेरा क्या चुरा लिया, हम तो खेलने में विश्वास रखते हैं, अगर तुम चाहो तो हमारी जोड़ीदार बन के हमारे संग खेलने आ सकती हो, उसे अपनी बातों में लगा करके, अपनी बातों में लगा कर खेलने के लिए मना लेते हैं, उस भोली राधिका को बहका करके तैयार कर लेते हैं खेलने के लिए। ठीक है, ये तो हुआ पहला पद। अब दूसरे पद में देखिए, दूसरा पद वो है, उसमें क्या है, जब भगवान कृष्ण गोपियों को और राधा को छोड़ करके जब मथुरा चले जाते हैं और पीछे से उनकी सुध नहीं लेते, वापस भगवान लौट कर कभी ब्रज में नहीं आते, तब उस समय पीछे से उनके वियोग में गोपियां तड़पती रहती है, तरसती रहती है, उनकी प्रतीक्षा करती रहती है, तब भगवान कृष्ण उनको अपना एक मित्र दूत के रूप में, जिसका नाम उद्धव है, उसे भेजते उन्हें समझाने के लिए। तब उद्धव आता है उन्हें समझाने, तब उसे उद्धव को इस दूसरे पद में गोपियाँ क्या कह रही है वो सुन समझिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर कहते हैं भंवरे को, ठीक है, और यहाँ जब उद्धव उन्हें समझाने आता है जिस बगीचे में, जिस बाग में, उस समय वहाँ एक भंवरा आता है काला, और भंवरा कैसा होता है, भंवरा निष्ठुर होता है, वह केवल फूलों के पास जाकर के उनमें से जो पराग यानी रस ले लेता है और उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धव भी क्या करने आया है, गोपियों को केवल जो है निर्गुण ब्रह्म की यानी कि निराकार भगवान की उपासना करने का ज्ञान देने आया है, और फिर उड़ने आया है यानी चले जाने आया है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, गोपियों ने उसको, उद्धव को भी एक भंवरे की उपाधि दे दी है, उसको उसको भंवरे का नाम दे दिया है, इसलिए क्या कह रही है, मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव, कह तो उद्धव करे लेकिन उसे मधुकर नाम दे दिया भंवरे का, के भंवरे हे मधुकर श्याम जो हमारे चोर निकले, वह तो चोर है, उन्होंने हमारा क्या चोरी किया, मन हरि लियो तनक चितवन में, यानी कि उन्होंने हमारा जो मन है तनक यानी थोड़े से ही, थोड़े से चितवन यानी अपनी मधुर दृष्टि से ही, थोड़ी सी मधुर दृष्टि से उन्होंने हमारा मन हर लिया यानी चोरी कर लिया है। चपल नैन की कोर, चपल यानी चंचल, नैन की कोर नैनों की कटाक्ष यानी तिरछे नैन, नैनों की कटाक्ष कहते हैं, तिरछे नैनों की दृष्टि डाल कर ही यानी अपने चंचल तिरछे नेत्रों की दृष्टि डाल कर ही हमारे मन को उन्होंने हर लिया है, चोरी
कर लिए हैं, अर्थात हम उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के उन पर जो अपना सर्वस्व लुटा बैठी हैं, हमने उन्होंने हमारा जो है हृदय चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर, और हमने जो है अपने हृदय में है ना पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हृदय और अंतर, अंतर अंदर हमने उनको अपने हृदय में मजबूती से पकड़ कर रख लिया है, इसलिए हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। प्रेम प्रीति के जोड़, अपने प्रेम और प्रीति, अपने प्यार और प्रेम के बलपूर्वक हमने उस भगवान कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में पकड़ रखा है, यानी उसे हमने बलपूर्वक अपने प्रेम के बल पर हमने उनको पकड़ रखा है, हम उन्हें अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। गए गए छड़ाए तोरी सब बंधन, जबकि भगवान कृष्ण कैसे निकले, बड़े निष्ठुर निकले, बड़े कठोर हृदय निकले, हम तो अपने हृदय में उनको पकड़ के बैठे हैं, अपने प्रेम पाश में बांध के रखे हैं, जबकि भगवान गए छुड़ाए, छुड़ा करके चले गए, तोड़ी सब बंधन को तोड़ करके, हमसे जो प्रेम का बंधन था उस बंधन को तोड़ करके हमसे पीछा छुड़ा कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और हमारे मन में क्या दे गए, अपनी हंसी, अकोर यानी रिश्वत, रिश्वत के रूप में अपनी हंसी अपनी मुस्कुराहट हमारे लिए छोड़ करके चले गए हैं। चौक की पड़ी जागत नसीबी थी, और अचानक हम चौक पड़ी है रात को, एकदम उनके बारे में सोच सोच कर हम विरह में जलकर उनके बारे में सोचती रहती हैं, और एकदम चौक पड़ी है जागत, और रात भर जागती रही निसी बीती, जागते जागते हमारी निसी यानी रात्रि, रात्रि पूरी बीत गई, और जैसे ही भोर हुई दूत मिलो एक भोर, अचानक सुबह हमें एक दूत मिला भंवरे के रूप में, यानी उद्धव हमारे सामने दूत के रूप में आया, जिसे वो भंवरा कह रही है कि भंवरे के रूप में तुम्हें भेज दिया। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं उन्हें, सूरदास जी कहते हैं इस पद के माध्यम से कि गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि भगवान यानी प्रभु हमारा सर्वस्व लूट कर ले गए। नागर नवल किशोर, कि वह बहुत ही सुंदर किशोर रूप में जो भगवान कृष्ण हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं, जिनका रूप सौंदर्य अत्यंत सुंदर है, मोह करने वाला है, मोहित करने वाला, सबको अपने आकर्षित करने वाला नागर यानी चतुर, वही भगवान चतुराई से हे जो भगवान कृष्ण बड़े चतुर हैं, वो हमारा मन हमारी आत्मा सब कुछ चुरा करके ले गए हैं, और हम उनके यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो आया समझ में, इसमें गोपियाँ फिर से समझिए, इसमें गोपियाँ उद्धव जब उन्हें समझाने आया तो उसे कह रही हैं कि भगवान कृष्ण चोर निकले, वो तो हमारा सब कुछ चुरा करके अपने तिरछे नेत्रों के माध्यम से, वो तिरछे नेत्रों के कटाक से, अपने उन मधुर नेत्रों के कटाक से ही हमारा हृदय चुरा कर ले गए, और हम हैं हम भोली वाली गोपियाँ अपने हृदय के अंदर उनको पकड़ करके प्रेम पाश में, प्रेम के बंधन में, बलपूर्वक प्रेम के बंधन में, प्रेम के बल से उन्हें बांध कर रखे हुए हैं, और जबकि वह हमें छोड़ करके और सब बंधनों को तोड़कर हमारा त्याग करके चले गए, केवल एक हंसी की रिश्वत देख करके, और हम जो हैं अचानक चौंक कर रात को उठ जाती हैं, और जब रात को उठी तो रात हमारी ऐसे ही बीत गई, जब हमने सुबह देखा तो तुम्हें एक दूत के रूप में भेज दिया है, ये कहने के लिए वह निराकार कृष्ण को तो भूल जाओ और निराकार ब्रह्म अपना लो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो उनके प्रेम में बंधी हुई हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियाँ कहती है वो तुम्हारा सर्वस्व लूट कर चले गए, अपनी चतुराई से वो हमारा सब कुछ लूट कर चले गए। ठीक है, तो आज ये दो पद आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसकी आपको भी फ़ोटो भेजती हूँ, उन्हें आप अच्छे से इनके अर्थ को लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी वापस आप एक बार हिंदी करके देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।